किसी और को प्रश्न करना हो तो अभी प्रश्न कर लीजिए, फिर मैं आपको लेकर के चल पड़ूंगा पुराने प्रवाह में। श्री राधे राधे। तो मैं आपसे ये करबद्ध निवेदन करके पूछना चाहता हूँ कि अगर जो कहीं ना कहीं ये घटनाएं होती हैं कि हम देख रहे हैं भक्त है और भक्त के अलावा उनके अंदर जो चीज़ें नहीं होना चाहिए वो चीज़ें हैं, तो उसमें हमारा कहीं ना कहीं नुकसान न हो जाए, तो हमें अपनी सावधानी के लिए कि हमको क्या करना चाहिए कि जिससे मेरी भक्ति और बढ़े। और जो भक्त का शब्द होता है, भक्त का शब्द बहुत बड़ा है जिसकी कोई कल्पना वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। मैं भक्त की श्रेणी में नहीं आता हूँ, भक्त का शब्द बहुत ऊंचा है, लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूँ, चूँकि मुझको घमंड है, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझको घमंड है, मेरे माता पिता जी ऐसे हैं, तो मुझको इस घमंड के नाते मैं आपसे चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि मुझे ये आपसे आशीर्वाद मिल जाए कि मेरे अंदर कभी और किसी बात का घमंड ना आने पाए, और जो भी कोई भक्त है तो उसको देख के मेरे ऊपर उसका दोष ना आए, इसी निवेदन के साथ। अस अभिमान जाय जन होरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये तुलसीदास जी कहते हैं ये कभी अभिमान ये जाना नहीं चाहिए। वैसे अभिमान बहुत खराब चीज है, लेकिन कहते हैं वो एक अभिमान मेरे अंदर से नहीं जाए कभी। अस अभिमान जाए जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। उनका कहना है कि एक अभिमान ये रहे मेरे अंदर, एक ही, कि मैं प्रभु का सेवक हूँ। जैसे अंगद जी महाराज को अभिमान ये था, रावण के जब दरबार में जो कैलाश को उठा लिया था, उसके दरबार में अंगद कहते हैं तू कैलाश भले उठाया हो लेकिन मेरा पांव उठा के दिखा दे पहले। मैं सेवक रघुपति पति मोरे, भगवान श्री राम मेरे स्वामी हैं, मैं उनका हूँ, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनका ही हूँ, और जब उनका ही हूँ तो संपूर्ण कृपा मेरे ऊपर उनकी बरसती रहती है। ये तो अपने लिए सोचना है, लेकिन कोई सुंदर सा बच्चा कोई माता गोद में लेके आवे या आपके सामने आके बैठ जाए और काजल का बड़ा सा डिठौना लगा हो उसके माथे पर, काजल का बड़ा सा डिठौना लगा हो, एक गाल पर लगा, एक ठुड्डी पर या माथे में लगा, अब बच्चा बहुत सुंदर है, अब आप बताओ कि उसकी उस कालिमा को देखोगे जो काजल की लगी है कि उसकी सुंदरता को देखोगे? कालिमा को तो देखना ठीक नहीं होगा, उसकी सुंदरता को देखो, आपकी दृष्टि का दोष कहीं उसको दुखी न कर दे, इसको बचाने के लिए, इसी संकट से उसकी सुरक्षा करने के लिए वो काजल की कालिमा दिठौना के रूप में लगी है, जिससे किसी की कुदृष्टि न लग जाए। ऐसे ही ठाकुर जी अपने भक्तों को झूठ मूठ का क्रोध दिखा देते हैं, क्रोध उसको होता नहीं है, दिखा दे तो आप तुरंत अरे बाबा तो बड़े क्रोधी हैं, क्रोधी नहीं नाटक में क्रोध किया था। ऐसे ही पैसा बाबा ने ले लिया और तुरंत किसी की कुदृष्टि ऐसी होती है, अरे ये भी लालची हैं, उस पैसे का क्या उपयोग करेंगे ये जब जान जाओगे ना तब पता चलेगा, कोई तो उसको परमार्थ में लगा रहे हैं, सेवा में, कोई भंडारा में, कोई तुम्हारे कल्याण के लिए, कोई सत्कर्म में लगा रहे हैं, कोई लगा रहे हैं गौ माता की सेवा में, कोई मरीजों की सेवा में, कोई भूखे प्यासे के लिए लगा रहे हैं, तो उनको आप लालची कहोगे तो आपके पुण्य में कमी आ जाएगी। इसलिए
उस दिठौने को मत देखो, उनके वास्तविक निर्मल स्वरूप को देखो, तो आप बच जाओगे कुदोष। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान है। अब नवनीत को तुम नहीं देख पाते हो, उसकी पैकिंग को देखते हो, उसकी पैकिंग को मत देखो। अंदर नवनीत भरा हुआ है और पैकिंग जो है नवनीत जैसी नहीं बनी है, तो हम पैकिंग क्यों देखें? अंदर कितना निर्मल इनका हृदय है कि ठाकुर जी इनके साथ रहते हैं। तो मैंने थोड़े में उत्तर दे दिया इनकी बात का।